नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरुवार को सहजनवा थाने में आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निलंबित। कहा, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अंतर सीमावर्ती सहयोग की कार्यशाला। वर्चुअल संबोधन में बोले सीएम योगी। कहा, जल्द अस्तित्व में आएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। प्रदेश सरकार बाघ संरक्षण को लेकर है संवेदनशील। प्रदेश में बड़ी बाघों की संख्या। गोरखपुर वासियों को सफेद बाघ के संरक्षण का मिला मौका। चोरी की घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए गए मोटरसाइकिल का मडगार्ड, 2 मोटरसाइकिल के वाइजर, 2 मोटरसाइकिल की टंकी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला नगरी विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20,000 लोगों को 10,000 रुपए का दिया गया लोन। 30% लोग लोन भरकर ले रहे हैं, 20,000 रुपए का लोन बन रहे हैं स्वलंबी। तीन अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर सीडीओ ने की बैठक। कहा, रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनियां करेंगी प्रतिभाग। 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। माहौल बदला तो नोएडा की राह, चल पड़ा है गीडा। फ्लैटेड फैक्ट्री को केंद्र सरकार से मिला फाइनल अप्रूवल, जल्द जारी होगा टेंडर। करीब 33 करोड़ की लागत से बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री। 3 माह में शुरू होगा निर्माण। गीडा को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है पूरी तैयारी। और दीवानी न्यायालय परिसर का सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ किया निरीक्षण। न्यायालय के दोनों गेटों पर लगे सुरक्षा कर्मी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सहजनवा थाने में गुरुवार को आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी व उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को निलंबित किया। आपको बता दें कि गुरुवार को सहजनवा थाना परिसर में दरोगा राम प्रवेश सिंह फरियादियों के साथ बैठे थे। थानेदार अपने कक्ष से निकलने के बाद किसी कार्य से दरोगा को आवाज लगाने लगे। कई बार बुलाने पर दरोगा ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों के अनुसार थानेदार ने दरोगा से बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए सवाल किया। दोनों में बातचीत का लहजा इतना बिगड़ गया कि तुम तड़ाव में हो बात होने लगी। इसी दौरान दरोगा ने थानेदार पर हाथ छोड़ दिया और दनादन 4-5 हाथ थप्पड़ मार दिया। थाना परिसर में ही थानेदार की पिटाई देख फरियादी भी अवाक रह गए। मारपीट होते देख थाने का मुंशी भाग कर पहुंचा और दरोगा को दोनों हाथों से पकड़कर दूर किया। थानेदार और दरोगा दूर होने के बाद भी एक दूसरे पर अपशब्दों की बौछार करने लगे। अन्य पुलिस कर्मियों के बार बार कहने के बाद दरोगा अपने आवास में गए और थानेदार अपने कक्ष में बैठ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा कि जांच की गई है, दरोगा ने अनुशासनहीनता किया है। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट एसएसपी को भेजी जा रही है, जिसका शुक्रवार को एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए सहजनवा थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, कल थाना सहजनवा पे वहाँ के थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाकर के एसपी नॉर्थ साहब द्वारा और सीओ कैंपियरगंज द्वारा एक जांच की गई। जांच में दोनों जो एसएचओ हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं, इन दोनों का दोष पाया गया। इनके विवाद की वजह से वहाँ पर पुलिस की छवि धूमिल हुई, जिसके चलते इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस जैसे अनुशासित बल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यदि होती हैं तो उनके ऊपर प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस एक अनुशासन के आधार पर चलने वाला बल है
और अनुशासनहीनता का कोई भी स्कोप इसमें नहीं है। यदि कोई अनुशासनहीनता इस तरह की स्थिति में आता है, ऐसी कोई घटना प्रकाश में आती है, तो तत्काल और कठोर कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। बाघ संरक्षण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। यह टाइगर रिजर्व बहुत जल्द अस्तित्व में आने जा रहा है। सीएम योगी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से योगी राजबाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अंतर सीमावर्ती सहयोग कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। बाघ संरक्षण हेतु आयोजित इस कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों और प्राचीन ग्रंथों की चर्चाओं में भी बाघ का वर्णन मिलता है। अपने देश में 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए सेव टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समय से पूर्व 2018 में ही सेव टाइगर के लक्ष्य को पा लिया। सीएम ने बताया कि राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2006 में 106 थी और 2018 में बढ़कर 173 हो गई। बाघों की नई गणना के जब परिणाम आएंगे तो यह संख्या करीब 200 होने का अनुमान है। रानीपुर में टाइगर रिजर्व की चर्चा के साथ गोरखपुर चिड़ियाघर का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के प्राणी उद्यान में सफेद बाघ आया है, इससे गोरखपुर वासियों को इसके संरक्षण का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन और बाघ एक दूसरे के नैसर्गिक संरक्षक हैं। महाभारत के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बाघों के बिना वन का अस्तित्व संभव नहीं है और ना ही बिना वन के बाघ रह सकते हैं। वन की रक्षा बाघ करते हैं और बदले में वन उनकी रक्षा करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद रानीपुर में टाइगर रिजर्व के अस्तित्व में आने से प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल का 21% होगा। शुक्रवार सुबह एक ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर पशु प्रेमियों व प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि साहस व सामर्थ्य के अप्रतिम प्रतीक राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के प्रति अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि जल्द ही गोरखपुर चिड़ियाघर को एक और सफेद बाघ की सौगात मिलेगी। एक सफेद बाघ मादा बाघ गीता को लखनऊ चिड़ियाघर से यहां पहले ही लाया जा चुका है। दूसरा सफेद बाघ चेन्नई चिड़ियाघर से लाया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि नाग पंचमी के दिन गोरखपुर चिड़ियाघर में नाग देवता कोबरा का दर्शन करने के लिए टिकट शुल्क में 50% की रियायत दी जाएगी। कार्यशाला को वर्चुअल मोड में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, Thank you.
उसको जीवन मत बनाना। सुविधा है, सुविधा पूर्ण जीवन के लिए तड़को, मोबाइल को जीवन मत बनाओ, ठीक है? तो आएगी, आप में बात कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? और अभी तो वैसे भी अच्छा मतलब है किसी को आप कहीं भी हो, है ना, लाइफ में जाए। लोगों की प्रतिक्रियाओं के प्रति इतना ज्वर नहीं, तक लोगों की प्रतिक्रियाओं को महत्व दीजिए, उनसे वाहवाही पाने के लिए लाइफ पाने नहीं। और माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उत्पादनों के साथ आगमन हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं बाहर ODOP और बैंबू मिशन की प्रदर्शनी लगी है, और जितने बच्चों ने विशेष अतिथि मंच पर बता रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अपने प्रणाम आप उन तक पहुंचाएं। आपकी तालियों की आवाज से भविष्य के लिए नागरिक कितने संवेदनशील और सचेत हैं, सभी से अनुरोध है कि अब अवस्थित हो जाएं पहले अपने स्थान पर बैठकर। तथा आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित बाघ संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हृदय से बधाई। आज से 12 वर्ष पूर्व दुनिया के 13 जागर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसके पीछे पिछले 150 वर्षों की वह कहानी है जिसमें 95% बाघ दुनिया से लुप्त हो गए थे। पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। बाघ के संरक्षण हेतु व्यापक जागरूकता के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के सशक्त वाहन के रूप में बाघ को हम प्राचीन काल से ही मान्यता देते रहे हैं। हमारे वेदों में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में महात्मा बुद्ध से जुड़ी चर्चाओं में भी बाघ का वर्णन मिलता है। महाभारत में तो ये कहा गया है, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षे वनम व्याघ्रच पालये। अर्थात बिना वन के बाघ का वध हो जाता है
और बाघ रहित वन भी काट दिया जाता है। इसलिए बाघ को चाहिए कि वन की रक्षा करे और वन को चाहिए कि अपने अंदर बाघ को संरक्षित करे। वन संरक्षण में बाघ की भूमिका के दृष्टिगत वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित महासम्मेलन में वर्ष 2022 तक दुनिया के बाघों की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पर्यावरण के प्रति उनकी चिंताओं को देखते हुए भारत ने समय से पूर्व अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और 2018 में ही हम इसे प्राप्त कर लिए। महासम्मेलन की तिथि पर भारतवर्ष में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 2018 में 2967 तक पहुंच गई। इसमें उत्तर प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की प्रारंभिक संख्या 25 से बढ़कर 67 हो गई, जिसके लिए इस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार दिया गया। राज्य स्तर पर बाघों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2006 में बाघों की संख्या 106 थी, जो वर्ष 2018 में 173 हो गई। 2022 के परिणामों में उत्तर प्रदेश बाघों की संख्या में और भी वृद्धि संभावित है। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से वर्तमान में हमारे राज्य के दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा कार्वे टाइगर रिजर्व को बफर क्षेत्र में अमानगढ़ बाघ संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र इस श्रृंखला में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी अस्तित्व में आने जा रहा है। इसके अस्तित्व में आने पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आ जाएगा, जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल के 21% से अधिक होगा। प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर के अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में अभी हाल ही में एक सफेद बाघ का आगमन हुआ है। एक और बाघ इस प्राणी उद्यान को जल्द ही प्राप्त होगा। इससे गोरखपुर वासियों को भी बाघ के संरक्षण का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण पर संयुक्त चर्चा के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बाघ के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस प्रकार के आपसी सहयोग में सफल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आइए बाघ एवं उसके प्राकृतिक वास के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण में हम सब मिलकर के अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कि महाराज जी इतना बड़ा सपना पसवा खुला इस बाघ को खोल के चिड़ियाघर को किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और नेपाल से लेके बिहार, पूर्वांचल, गोरखपुर सब लोग इस जू की तरफ, इस पार्क की तरफ बड़े आकर्षित हैं। कारण है कि अमर, अब पूछेंगे अमर क्या है, तो आज बाघ दिवस है। अमर हमारे पार्क का, हमारे चिड़ियाघर का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जानवर जिसको देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। दूसरी हमारी जो सबसे सुंदर है और गीता वो सफेद बाघिन है, जिसको देखने के लिए आज समस्त भारत में उनकी चर्चा है, क्योंकि वो बड़ी स्वस्थ है और मैदानी।
तो दो मादा है, एक बाघ है, अमर अमर को देखने के लिए अट्रैक्शन है, हर सारी भीड़ आ रही, बच्चे आ रहे हैं। तो मैं सभी को वन विभाग वाले के जितने कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद, खासकर डायरेक्टर महोदय को कि आप लोगों का सेहत का ध्यान दे रहे हैं, विच इज महाराज जी और सुबह कृषि प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि हम अपने जानवरों के हमारे प्राणियों की रक्षा करें, भाव को ज़्यादा बढ़ाएं और उसी पक्षियों पर चल के पूज्य महाराज जी ने भी इस बड़े पार्क का उद्घाटन किया और इसको देखा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं आ पाया चूँकि मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, वो आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है। अभिनंदन करें, ये नेपाल और भारत की मैत्री की मिसाल है, हर क्षेत्र में हम साथ साथ का। आप सब जो उत्तर प्रदेश बट समस्त टाइगर रेंज कंट्रीज 13 देश हैं जहाँ पे बाघ वाइल्ड टाइगर्स प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, उनके लिए महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने कई ऐसे कदम हाल में लिए हैं जो अन्य देशों में, अपने देश में भी नहीं और अन्य देशों में भी नहीं है, इसलिए बहुत सराहना का के पात्र हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। एक जो बात मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, आबादी बहुत है, यानी लगभग 18% हमारे देश की आबादी इस प्रदेश में है और 10,000 से भी ऊपर यहाँ पे गांव और वन्य प्राणियों से भी बाहुल्य क्षेत्र है। इंडो गैंगेटिक प्लेन गंगा बहती है कई जिलों से, उसके इर्द गिर्द जो जन साधारण सामान्य जो रहते हैं, तो ह्यूमन जो कई लोगों ने विशिष्टतियों ने बताया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो मानव वन्य जीव का जो इंटरफेस है बहुत संवेदनशील, और इसको ध्यान में रखते हुए ये सरकार एकमात्र सरकार है विश्व में जिसने नेचुरल डिजास्टर के यानी प्राकृतिक आपदा के कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को डाला। वन विभाग उत्तर प्रदेश के साथ ये MOU साझेदारी में ही संभावनाएं हैं, जैसा कि उसके प्रतिनिधि ने कहा। पर मैं स्पिरिट में आप सबके साथ हूं। आज बाघ दिवस है और बाघ का महत्व हमारी धरती के लिए, इस पूरे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा है, यानी एक बाघ के नीचे मिलियंस स्पीशीज सर्वाइव करते हैं। तो जहाँ बाघ है वहाँ खुशहाली है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत दुरुस्त है। हमारा देश दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघों का घर है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है और इसको बचाने का सबसे ज़्यादा अभियान जो एक प्रोग्रेसिव वे में चला है वो हिंदुस्तान में चला है और उत्तर प्रदेश में चला है, जहाँ इतनी आबादी होने के बावजूद इतने सारे बाघों को वहाँ पे बचाया जा रहा है। ये वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके अधिकारी और फ्रंट लाइन स्टाफ वालों का एक बहुत हौसले वाला काम है और यूपी की जो आँख है, जो गोल्डन आँख है, जिसमें पीली झील, कतनिया घाट, दुधवा, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये अपने आप में ही दुनिया के सबसे विशेष एनवायरमेंटल हैबिटेट्स में आता है। तो आइए इन सब को, हमारी धरोहर को, हमारे राष्ट्रीय पशु को और हमारे सिंबल को, बाघ को बचाएं और उसमें सबका योगदान बहुत जरूरी है। देखिए आज 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस गोरखपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक बृहद आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि ट्रांस बॉर्डर कॉपरेशन जो कि इंडिया से सटी हुई ऐसी देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और उनके साथ मिलकर बाघ संरक्षण के लिए एक नई पहल की जा रही है और इसमें जो है अलग अलग प्रोग्राम होंगे जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशीर्वचन
और उसके साथ ही जो माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं उनके द्वारा किस तरह बाघ संरक्षण में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ अलग अलग गोष्ठी संगोष्ठी और चर्चा विभिन्न मुद्दों पर की जाएगी। आप देख रहे हैं कि सभी स्कूलों से यहाँ पर बहुत मात्रा में बच्चे आए हैं और सभी बहुत एक तरह से उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को मनाने के लिए। और यहाँ हम लोगों ने अलग अलग प्रदेश के विभिन्न स्तरों से जो एक उनके उत्पाद हैं जैसे कि ODOPM जिसे कहते हैं, गोरखपुर से टेढ़ा कटा हुआ हमारा एक बांस के उत्पाद है जिसमें इस बार हम लोगों ने बांस की राखियाँ बनाई हैं। इसी तरीके से 12 स्टॉल जो है प्रदेश के विभिन्न स्थलों से आए हुए लोगों ने लगाई हैं। इसी को हम लोग है जो है वृद्ध स्तर पर बाघ संरक्षण का संदेश देते हुए जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गोपलापुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कृष्णा गुप्ता पुत्र मिट्ठू गुप्ता निवासी चियोटहा थाना तरकुलवा जिला देवरिया हाल पता गोपलापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपक निषाद पुत्र रामवृक्ष निषाद निवासी फुलवरिया निकट नवल्स एकेडमी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा रियाज पुत्र ताज मोहम्मद निवासी इकला नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, चौथा शुभम पांडे पुत्र विनोद पांडे निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, पांचवा राजू कुमार पुत्र सुखनंदन प्रसाद निवासी बड़ी कुरमौल थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, छठवा नीलेश कुमार पुत्र राम प्रवेश पासवान निवासी बड़ी कुरमौल थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, सातवा पंकज त्रिपाठी पुत्र सुधाकर त्रिपाठी निवासी फुलवरिया निकट नवल्स एकेडमी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल का मडगार्ड, मोटरसाइकिल का वाइजर, 2 मोटरसाइकिल की टंकी बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि 7 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक हरिप्रकाश यादव, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, दीपक कुमार यादव, नीतीश कुमार गौड़, धर्मेंद्र कुमार, रोहित रजक शामिल रहे। नाम? पिताजी का नाम? नाम? पिताजी का नाम? नाम? पिताजी का नाम सुधाकर। नाम बताइए। पिताजी का नाम? आपका नाम? पिताजी का नाम? रामकृष्ण साहब। नाम बताइए। पिताजी का नाम? आपका नाम? जिला डूडा नगरीय विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वनिधि उत्सव में महिलाओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उसके बाद गणेश वंदना आरंभ किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने भगवान गणेश पर एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार की योजना है कि रेहड़ी पटरी वालों को लोन देकर स्वावलंबी बनाया जाए, जिसके लिए पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, गोरखपुर में 20,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया जा चुका है, जिसका लोग ईमानदारी से किस्त भर रहे हैं, और कुछ लोग जो 10,000 लोन भरकर 20,000 लिए हैं, अगर वह व्यक्ति 20,000 का लोन भर देगा तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, क्योंकि लोग 5-10% पर कर्ज लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करते थे, उस पर विराम लगा है। लोग पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले रहे हैं और स्वावलंबी बन रहे हैं। इस अवसर पर नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, मंत्री आवास योजना को देखने वाले ऑल द बेस्ट डॉटर ऑफ शी ओ
उमा शंकर जी, आफरीन परवीन जी, प्रीति गुप्ता मैम, खुशी वर्मा, कोमल वर्मा, अनमोल कुमारी, सिमरन, खुशनुमा, अपनी प्रतियोगिता कंटिन्यू करो। रक्षाबंधन से पहले लग गया सबको। बहुत बीच में गैप हो रहा है यार हो गया। थैंक यू। अरे रुकिए, नहीं रुके रहिएगा, वही ठीक है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्तुति नमो स्तुति। यदि ईश्वर के चरणों में जनपद गोरखपुर के साथ संपूर्ण भारत के हर एक निवासी को स्वावलंबित बनाने के लिए हे ईश्वर आपका वरद हस्त समस्त जनमानस पर सदैव बना रहे, प्रत्येक मनुष्य की मनुष्यता को जीवंत बनाती रहे। जैसा कि आप लोग के संज्ञान में होगा, स्वनिधि स्कीम, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जून 2020 में, और उसके बाद से लगातार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इतना ज़्यादा काम किया कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें उनका अभूतपूर्व योगदान रहा, और उनके इस अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए और अर्बन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है उसको सराहना करने के लिए, उनके मोरल को और बूस्टअप देने के लिए आज पूरे देश में 75 शहरों में स्वनिधि महोत्सव एक कल्चरल इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, रेड़ी वाले, खुमचे वाले, पटरी वाले, ठेले, सभी लोगों को हम लोग जो है उनके परिवारों के साथ बैठ कर एक सांस्कृतिक उत्सव मना रहे हैं। मुख्य उद्देश्य इनको आगे बढ़ावा देना है। गोरखपुर में जो आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो प्रथम जो ऋण हमारा है 19,000 से ऊपर हमने लोगों को फर्स्ट लोन दे दिया है, सेकंड लोन भी हमने बड़ी संख्या में दिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो टारगेट था उसका 102% है, मतलब हमने टारगेट से ज़्यादा ही उनको लोन दिया है। और अभी भी जितने भी लोग चाह रहे हैं हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, और हम लोग इनको जो अर्बन इकोनॉमी में इनकी जो सक्रिय भूमिका है इस पर हम लोग लगातार काम करते हुए कहीं इनको कोई दिक्कत भी आ रही है तो जितने हमारे बैंक के मैनेजर्स हैं, बैंक के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हुए हमारे सीनियर ऑफिसर्स उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो भी
आदमी लोन चाह रहा है, पहला लोन उनका 10,000 का है, फिर 20,000 का, उसके बाद 50,000 का है। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को हम लोग दूर करा के उनको लोन दिला रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि गोरखपुर शहर में जगह जगह जो स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग अलग जो उनको एक वेंडिंग जोन बनाया गया है उस पर वो लोग काम करते हैं, वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, उनका परिवार खुशहाल हो रहा है। और आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनकी स्टेट अर्बन इकोनॉमी में जो इनकी भूमिका है उसको सराहते हुए उनको एक आज का जो एक अर्बन इकोनॉमी का महत्वपूर्ण अंग माना है, और इनको और ज़्यादा सक्रिय करने के लिए, इनकी जो मनोबल को और अधिक ऊँचा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन से हमारा ये मानना है कि पूरे देश के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जो आर्थिक जीवन रेखा है, रूपरेखा है, उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आगे चलकर वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। नहीं ब्याज देखिए उनको निःशुल्क ये होता है और इसमें ये लोग अपना काम करते हैं। मेन ये रहता है कि जो छोटे छोटे जिनकी पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है, कम पूंजी होती है, उनको पहले 10,000 का एक दिया जाता है एक निर्धारित अवधि के लिए। जब उसको वो निश्चित रूप से उसको रिपे कर देते हैं तो उसके बाद उनको 20,000 रुपये उनके चाहने पर उनको 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिसके पास पूंजी नहीं है और वो व्यवसाय करना चाहता है, अपना कोई काम करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी जो है ये एक आधार होता है। इसकी मदद पाकर 10,000 रुपये की मदद से वो कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो आज के समय में कहीं पर ठेला लगा ले, कहीं पर अपनी दुकान कर ले छोटी सी। तो निश्चित रूप से जो ये इस प्रकार के काम करने वाले जो बेरोजगारी की समस्या है इससे बहुत ज़्यादा हद तक दूर हुई है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जिस समय कि गोरखपुर में बहुत बड़ी एक इसको हम लोग महामारी के रूप में देख रहे थे और निश्चित रूप से सभी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में जो हमारी पीएम स्वनिधि थी उसने इनके साथ खड़े होकर पूरे संकट के घड़ी में सभी लोगों को बाहर निकाला और जितने लोग भी थे बेरोजगार थे पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको रोजगार मिला और उनको अपने परिवार का जो संचालन करने में, घर के परिवार को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। आज बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर प्रेक्षागृह में भारत सरकार की जो योजना है रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, इस क्रम में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के प्रयास में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपया ऋण देने का प्रावधान है। और गोरखपुर में जो टारगेट था उससे ज़्यादा लगभग 20,000 लोगों को 10,000 रुपया का लोन दिया जा चुका है, उसमें लोग आपस कर रहे हैं। 30% लोगों ने 10,000 रुपया आपस करके 20,000 रुपया पुनः लिया है और 20,000 रुपया जो वापस कर देगा उसको 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। जो साहूकारों से 5% 10% पर लेकर रेहाड़ी पटरी वाले लोग काम करते थे उस पर विराम लगा है और ये लोग इसी तरह से सरकार द्वारा दी गई ऋण का उचित व्यवहार करेंगे, उचित ढंग से उसका पेमेंट करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा और भारी ब्याज से बच जाएंगे और इन्हें स्वावलंबी बनने में जो भारत सरकार की योजना है वो 100% पूरी होगी। तमाम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जैसे मेधी प्रतियोगिता है, क्या सम्मान किया जाएगा जो ऐसे लोग जो अच्छा कार्यक्रम करेगा उसे डूडा नगर निगम के तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस तरह कि हमारी सरकार की योजना है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, फुटपाथ पर अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं उनका जीवन स्तर किस तरह से उठाया जाए। जब तक इनका जीवन स्तर नहीं उठेगा ये समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। ये भारत की बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। मैं मोदी जी को, योगी जी को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रेहाड़ी पट्टी वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकार ने जगह आरक्षित किया, लेकिन ये लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं,
मैं उनसे अनुरोध करूंगा निःशुल्क उन लोगों को व्यवस्था दी गई है उसका उपयोग करें और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करें। ऐसा करके शहर का भी कल्याण होगा और भारत सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का महत्वपूर्ण लाभ इन्हें मिलेगा। उस जगह पर पीने की पानी, लाइट और शौचालय की मुफ्त व्यवस्था की गई है, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा पटरी वालों, पूरी पारदर्शिता बरती गई है, अलर्ट भी किए गए हैं, लॉटरी के आधार पर उसका ये लोग उपयोग करें, इससे समाज को काफी लाभ होगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरुवार को सहजनवा थाने में आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निलंबित, कहा की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अंतर सीमावर्ती सहयोग की कार्यशाला, वर्चुअल संबोधन में बोले सीएम योगी, कहा जल्द अस्तित्व में आएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। प्रदेश सरकार बाघ संरक्षण को लेकर है संवेदनशील, प्रदेश में बड़ी बाघों की संख्या, गोरखपुर वासियों को सफेद बाघ के संरक्षण का मिला मौका। चोरी की घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए गए मोटरसाइकिल का मडगार्ड, 2 मोटरसाइकिल के वाइजर, 2 मोटरसाइकिल की टंकी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला नगरी विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20,000 लोगों को 10,000 रुपए का दिया गया लोन, 30% लोग लोन भरकर ले रहे हैं, 20,000 रुपए का लोन बन रहे हैं स्वलंबी। तीन अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर सीडीओ ने की बैठक, कहा रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनियां करेंगी प्रतिभाग, 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। माहौल बदला तो नोएडा की राह, चल पड़ा है गीडा। फ्लैटेड फैक्ट्री को केंद्र सरकार से मिला फाइनल अप्रूवल, जल्द जारी होगा टेंडर। करीब 33 करोड़ की लागत से बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री, 3 माह में शुरू होगा निर्माण। गीडा को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है पूरी तैयारी। और दीवानी न्यायालय परिसर का सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ किया निरीक्षण, न्यायालय के दोनों गेटों पर लगे सुरक्षा कर्मी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CDO संजय कुमार मीना ने विकास भवन सभागार में 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान CDO संजय कुमार मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को जो भी कार्य दिए गए हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम के साथ साथ सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य सदाकांत ने कहा कि रोजगार मेले में लगभग 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए लगभग 40 कंपनी के आने की संभावना है, जिसमें ITI, कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक सहित अन्य क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं छात्र छात्राओं को रोजगार मेले में प्रतिभाग कराया जाना है। इस अवसर पर DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्टॉल्स हर डिपार्टमेंट की रहेगी, मेन रहे जो डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग के एक ये दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल कुछ है बच्चे के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं है जैसे जो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जगह जगह पे 8-2 रुपये में बन जाएंगे बड़े बड़े वाले घर से वहाँ पे बोर्ड लगे रहेंगे कि ये इस पार्किंग के लिए, ये पर्टिकुलर पार्किंग के लिए, और फिर ट्रैफिक कहाँ से एक बार CM कराए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई व्हीकल आएगा तो ऑल्टरनेट रूट देखना पड़ेगा कि दूसरे रूट से ना आए किसी और रूट से, तो पार्किंग स्थल कहाँ पे। अभी मीटिंग के बाद आप एक बार चल के यह है बदले माहौल का सकारात्मक असर। दशकों तक गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा प्रबंधन उद्योगों की राह तकता था। उसे इन दिनों बड़े पैमाने पर आ रहे निवेश प्रस्तावों के मुताबिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अपना गीडा भी नोएडा की तरह उद्यमियों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि गीडा ने रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिया है। यहां करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को केंद्र सरकार से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। जल्द ही इसकी स्थापना के लिए टेंडर जारी कर 3 माह में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
यही नहीं 101 भूखंडों में विकसित होने वाले रेडीमेड गारमेंट पार्क के लिए 40 उद्यमियों ने जमीन का पैसा जमा कर दिया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि गीडा में स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को केंद्र सरकार के MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से 25 जुलाई को अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है। फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसमें से 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलेंगे, जबकि शेष धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। गीडा के CEO का कहना है कि जल्द ही फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया जाएगा। 3 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करा देने की तैयारी है। फ्लैटेड फैक्ट्री में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को सुविधायुक्त हाल उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे कम पूंजी में भी आसानी से काम कर सकें। फ्लैटेड फैक्ट्री में लगने वाली करीब 80 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। उधर गीडा में रेडीमेड गारमेंट पार्क की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके लिए 101 भूखंड विकसित किए गए हैं। इन भूखंडों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी 50% से अधिक पूरा कराया जा चुका है। अनुमान है कि यहां लगने वाली रेडीमेड गारमेंट यूनिट्स में करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह सर्वविदित है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था निवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई तो निवेशक भी आकर्षित हुए। इसका फायदा गीडा को भी मिल रहा है। रेडीमेड गारमेंट की फ्लैटेड फैक्ट्री को लेकर उद्यमी उत्साहित हैं, तो वही रेडीमेड गारमेंट पार्क में भूखंड के लिए 40 उद्यमियों ने धनराशि जमा कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेराकोटा के बाद रेडीमेड गारमेंट को गोरखपुर के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल किया है। अक्टूबर 2020 के अंत में ODOP में शामिल किए जाने के बाद इस सेक्टर में उद्यमियों का रुझान तेजी से बढ़ा है। उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। CM योगी की मंशा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है। ODOP के तहत रेडीमेड गारमेंट यूनिट लगाने पर सरकार 20 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। यूनिट लगाने को आवेदन करने पर किसी भी राष्ट्रीयकृत या अन्य शेड्यूल्ड बैंक से लोन मिल सकता है। लोन के सापेक्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन MSME विभाग की ओर से मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कुल परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख रुपए से जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देने की व्यवस्था है। 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए धनराशि 6,25,000 रुपए अथवा परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी। 50 लाख रुपए से 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए 10 लाख या परियोजना लागत का 10% में से जो भी अधिक हो वह मार्जिन मनी के रूप में मिलेगा। 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 20 लाख रुपए में से जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी। CEO कैन श्यामदेव बिंद ने दीवानी न्यायालय परिसर का डॉग स्क्वायर टीम के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान CEO कैन श्यामदेव बिंद ने न्यायालय परिसर के दोनों गेट की सुरक्षा व्यवस्था और पेशी पर आने वाले कैदियों के बैरक के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने डॉग स्क्वाड एवं एंटी सबोटाज टीम के साथ न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग की तथा इसी न्यायालय परिसर में लगे CCTV कैमरे एवं DFM MD मशीन को भी चेक किया। CEO कैंट ने न्यायालय ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाँ, आपने तो बिल्कुल आपने तो कर लिया। हाँ, आपने तो बिल्कुल आपने तो कर लिया।
गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरुवार को सहजनवा थाने में आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निलंबित। कहा की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अंतर सीमावर्ती सहयोग की कार्यशाला। वर्चुअल संबोधन में बोले सीएम योगी। कहा जल्द अस्तित्व में आएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। प्रदेश सरकार बाघ संरक्षण को लेकर है संवेदनशील। प्रदेश में बड़ी बाघों की संख्या। गोरखपुर वासियों को सफेद बाघ के संरक्षण का मिला मौका। चोरी की घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए गए मोटरसाइकिल का मडगार्ड, 2 मोटरसाइकिल के वाइजर, 2 मोटरसाइकिल की टंकी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला नगरी विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20,000 लोगों को 10,000 रुपए का दिया गया लोन। 30% लोग लोन भरकर ले रहे हैं, 20,000 रुपए का लोन बन रहे हैं स्वलंबी। तीन अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर सीडीओ ने की बैठक। कहा रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनियां करेंगी प्रतिभाग। 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। माहौल बदला तो नोएडा की राह, चल पड़ा है गीडा। फ्लैटेड फैक्ट्री को केंद्र सरकार से मिला फाइनल अप्रूवल, जल्द जारी होगा टेंडर। करीब 33 करोड़ की लागत से बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री। 3 माह में शुरू होगा निर्माण। गीडा को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है पूरी तैयारी। और दीवानी न्यायालय परिसर का सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ किया निरीक्षण। न्यायालय के दोनों गेटों पर लगे सुरक्षाकर्मी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।